क्या मजा आया, पेट एकदम भर गया मेरा। आपको भी मजा आया ना? शर्म करो जरा। शर्म का क्या है इसमें? सुनो भाई, और सारी औरतें किचन में काम कर रही थी और तुम बाहर नाच कर रही थी। तो मेरी क्या काम करने की उम्र है क्या? इंस्टाग्राम पे फुदरने के लिए तुम्हारी उम्र कहाँ जाती है? तब तो 4 साल की बच्ची बन जाती हो, और काम करना होता है तब 64 साल की बुढ़िया। बड़े अच्छे काम कर रही थी आपकी बहू। दूध में केसर पहले ही डाल दिया, बाद में डालना होता है। जरा सी अकल नहीं है उसमें, खुद को बड़ी ये समझती है। तुमने बहुत पराक्रम किया ना अपने जमाने में। मैं मास्टर शेफ थी अपने जमाने की। पहली रसोई में क्या हुआ था? ये देखिए, नई नवेली बहू जब पहली बार रसोई बनाती है तो वो खराबी होती है। मुझसे भी हो गई गलती। गलती नहीं, गलतियाँ हो गई आपका, या और साइड लेनी है अपनी बहू की। हेलो दादी। हाय श्रेया। दादी मैं बहुत बोर हो गई हूँ। हर बार क्या तू बोर हो जाती है? आप प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाइए ना। अब क्या सुनाओ तुझे? इस श्रेया को भी बुढ़िया की कहानी सुनने में क्या इंटरेस्ट है पता नहीं। सुनाओ इसको अपनी पहले रसोई की कहानी। ये क्या बार बार पहली रसोई निकाल रहे हो? क्या हुआ था पहली रसोई में? क्यों सुनना है तुझे? श्रेया बहुत मजेदार है कहानी, सुनाओ सुनाओ प्लीज ना। चल सुन। हुआ यू था कि मैं नई नई शादी करके घर में गई। यस। मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे होता है। अरे क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरुआत करूं? अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी भी कहा तुम्हें कुछ समझ आता है? आप नहीं, आप ही खाइए सब फुटेज, बता रही हूँ ना मैं अब कहानी। तो पहली बार मैं जब रसोई में गई, वहाँ पे उस टाइम ऐसा वो हमारा होता है ना, वो नहीं था। क्या? किचन, किचन वो किचन को क्या बोलते हैं वो टेबल, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक ब्लैक किचन काउंटर। हाँ वो, तो वो नहीं था, जमीन पे बैठते थे, चूल्हा था हमारा। ओ हाँ, तो चूल्हे पे सब करना पड़ता था। और चूल्हे के आगे ये 2400 घंटे बस ऐसे करती थी। अरे क्या, कितना कैसे करूं मैं? मेरे तरफ मत देखो, कहानी सुनाओ। तो पहले दिन इनकी माँ आई बड़ी गुस्से जैसी। मैं ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही उनकी, पर थी ना काफी ज्यादा रॉकस्टार थी वो, मुझसे भी बड़ी। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। गले में जो 9 लाख का हार था कहाँ है वो? वो बहुत भारी हो रहा था तो मैंने निकाल दिया। अरे वाह, तो कल को ये घर भारी हो गया तो घर छोड़ के चली जाओगी तुम? रसोई का पहला दिन क्या करना है आज? मैं सोच रही हूँ आज आप सबके लिए मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ। गाजर का हलवा, वाह वाह, अप्रतिम, करो गाजर का हलवा। पर उस टाइम पे हलवा है तैयार 2 मिनट में, ऐसा कुछ नहीं था। ना कुकर था, ना कुछ था, ना कुछ। तो आपने बना दिया गाजर का हलवा? गाजर कहाँ है? मैं देख रही हूँ गाजर, गाजर तो इनके घर में था ही नहीं। प्रकाश की माँ ने तो बताया ही नहीं, उनको पता होगा पर जानबूझ के नहीं बताया। सास अपना रंग दिखाती है, माँ ने सच कहा था। कुछ भी नहीं था इनके घर में। हाँ हमारे घर में बस मिट्टी थी, वही खाती थी तुम। आई मीन कुछ अच्छा जो मैं बना सकूँ पहली रसोई में। फिर क्या हुआ? एक बार माँ को पूरी भाजी बनाते हुए देखा था, वही करती हूँ, अगर जम गया तो जम गया, नहीं जमा तो नहीं। तो फिर मैंने सोचा पूरी भाजी करती हूँ। वाओ पूरी भाजी। तो मैंने आटा गूंदने के लिए निकाला। गलती से मुझसे थोड़ा ज्यादा ही पानी चला गया। इतना ज्यादा पानी पड़ गया वो आटे का जूस हो गया। अरे ये क्या हो गया?
इतनी बार मुझे ज्यादा मेजरमेंट आया नहीं ना बेटा, तो होता है वो। तेरी जब शादी होगी तुझे भी पता चलेगा। मैं मेरी बेटी को सब सिखा के भेजूंगी। बोली बोली वहां से बोली, इधर आके बोल ना, हिम्मत है तो। किचन से क्या बोलती है, कान देखो इसके कैसे बोलती है। अपने आपकी बहू रानी ये है, इसी की वजह से मैं डरती हूँ इसे। हर बार अपनी सास को यह करती है, इतनी बड़ी है क्या ये? कूल डाउन दादी। तो वो आटा कुछ ज्यादा ही बहने लगा ऐसा इधर उधर, तभी मेरी सास आई। ओह नो ललिता, टीवी सीरियल जैसा मेरा चेहरा हो गया था उस वक्त। ए टीवी सीरियल, बाहर आ जाओ उससे, चुपचाप कहानी बताओ। मैं भी बड़ी 440 थी, मैंने उसके ऊपर मेरा पल्लू डाल दिया। ससु मां जी, पल्लू ढक के क्यों बैठी है वैसा? पर इनकी माँ 4440 थी। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बस ऐसे बोल रही हूँ। वर करते पल्लू ऊपर लो। उनको पता लग गया, आटा पानी पानी हो गया। भया 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 भया, क्या कर दिया ये? गलती से मुझसे 2 चम्मच पानी एक्स्ट्रा गिर गया। अब ये पिएंगे क्या, क्या करेंगे इसका? हाँ प्रकाश प्रकाश, कौन सा नक्षत्र लाया इसने घर में, ये कुछ काम का नहीं है। आज भी वो डांट मेरे कानों में गूंजती है। क्या देख रही है मेरा मुंह? आटा डाल उसमें आप थोड़ा सा, अच्छा सा कर फिर से वो, कुछ काम की नहीं है। हंस हंस हंस, उधर से हंस। हंस रही है किचन में से। फिर मैंने उस पानी पानी में थोड़ा और आटा डाल दिया, एकदम परफेक्ट बैटर बन गया। फिर भाजी के टाइम मैंने सब कुछ अच्छा सा कर लिया था। चलो सब्जी। भाभी क्या कर रहे हो? पर इनकी बहन जो थी वो इतनी इतनी क्या अच्छी थी ना, पर उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा पना में मेरा काम बिगाड़ दिया। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी हेल्प, मैं अकेले कर लूंगी, वैसे भी मेरी पहली रसोई है। नहीं भाभी, मुझे करनी है आपकी मदद। ठीक है, आप वहां पूरिया कीजिए, मैं यहाँ पे भाजी पे ध्यान देती हूँ। पर मदद करने के बजाय उसने मेरी सारी मेहनत। ऐसा क्या किया था आपकी ननद ने? कितने बजे? मेरी सब्जी। ओ चुड़ैल वापस आ गए। आप मैं भी क्या बोल रही, इनकी माँ वापस आ गई ऐसे 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 खड़ूस कहीं की, जान बूझ के मेरी सब्जी बिगाड़ती, भाग गई यहाँ से। इसको तो मैं अकेले में देखूंगी। क्या जला? मुझे तो लगता है ये लड़की एक दिन सारा घर जला देगी। क्या जला बोल? सब गुस्सा मेरे ऊपर ही फोड़ दिया। फिर रोना क्या है, रोना शुरू कर दिया मैडम ने। इतनी जोर से रोई पूरे गांव में आवाज चली गई। रो मत रो मत, जल गया वो, अब क्या कर सकते हैं, रो मत। तो क्या करती मैं नए नए घर में, रोना आ गया मुझे, मैंने जानबूझ के नहीं की। अब हम दोनों मिलके करते हैं पहली रसोई। इतनी भी बुरी नहीं थी वो, बुरी थी नहीं वो, बहुत अच्छी थी। चला शुरू करा, इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। काट दिया बावटे से काटी। फिर उनके साथ मैंने अपनी पहली रसोई बनाई। ओह दैट्स सो क्यूट। तो ऐसी थी मेरी पहली रसोई की कहानी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या बोली इसकी तो?